आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं हमारा नया लेक्चर बेयर विल्जर ऑक्सीडेशन। तो बेयर विल्जर ऑक्सीडेशन कैसे आया, 1899 की बात है। दो साइंटिस्ट थे, बेयर और विल्जर। उन्होंने जब कीटोन की रिएक्शन किसी पर एसिड के साथ की तो उन्हें मिला ईस्टर। तो इसी रिएक्शन को नेम दिया गया बेयर विल्जर ऑक्सीडेशन। तो आइए समझते हैं कि क्या बेयर विल्जर ऑक्सीडेशन है, कौन कौन से पैरासिट्स हम इसमें यूज करेंगे, कौन कौन से कीटोन्स इसमें यूज करेंगे। तो इसमें हम समझेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, उसकी मैकेनिज्म, एग्जांपल्स और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो बेयर विल्जर ऑक्सीडेशन मैंने क्या कहा, जब हम किसी कीटोन की रिएक्शन पर एसिड से करते हैं, पर एसिड मीन्स The acid which contains an oxygen-oxygen single bond, oxygen-oxygen single bond, known as per acid. तो क्या कहा मैंने, कीटोन की रिएक्शन पर एसिड से करेंगे तो क्या मिलता है हमें, ईस्टर फॉर्म हमारे होते हैं। इसी रिएक्शन को कहते हैं हम बेयर विल्जर ऑक्सीडेशन। समझने की बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन केम्स फ्रॉम एयर। ये ऑक्सीजन जो आती है पर एसिड में, जो ऑक्सीजन होती है वहां से आती है, और ये जो ऑक्सीजन होती है रिमेन्स इंटैक्ट। तो एक टाइप से हम ये कह सकते हैं कि यह एक इंसर्शन रिएक्शन है, जैसे कि डायजोमीथेन में होता है, डायजोमीथेन CH2N2, ये भी एक टाइप से इंसर्शन रिएक्शन है। यहां क्या हो जाए, CH2 आ जाता है और ये आगे रिंग फॉर्म हो जाती है। इसको बोलते हैं, मतलब ये जो कंपाउंड है ये इसमें क्या हुआ है, इंसर्ट हुआ है CH2। तो सेम एज इन बेयर विल्जर ऑक्सीडेशन, तो जो ऑक्सीजन इसमें क्या होती है, इंसर्ट होती है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि इसमें जो इंसर्शन रिएक्शन है और इसमें इंसर्शन रिएक्शन है, इसमें अंतर और इसमें एक अंतर है कि इसमें जो इंसर्शन होता है वो कंसर्टेड होता है। कंसर्टेड कहने का मतलब यह है कि जैसे ही ऑक्सीजन इसमें इंसर्ट होता है, कार्बोक्सिलेट क्या हो जाता है लीव कर देता है। अब इसकी वो पार्ट हम इसका भी मैकेनिज्म समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको अभी मैकेनिज्म समझ में आएगा। तो अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म पार्ट में। मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले हमने एक ईस्टर लिया और इसकी रिएक्शन किसके, और ये जो रिएक्शन है ये कैटलाइज्ड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये रिएक्शन कैटलाइज्ड होती है किसके प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, सबसे पहले एसिड रिएक्ट करेगा, ये OH बन जाएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, इस पे पर एसिड क्या करेगा, अटैक करेगा। पर एसिड है तो इट मींस मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, ऑक्सीजन नेगेटिव एच पॉजिटिव। तो नेगेटिव कहां अटैक करेगा, इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, RCOH O C डबल बॉन्ड O और एक हो गया R। अब जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये बहुत क्या होता है, वीक होता है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ये बॉन्ड जैसे ही इसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, RCOH ऑक्सीजन पे नेगेटिव और एक RH यहां पर। कंसेंट्रेट कहने का मतलब यह है कि जैसे ही ये कार्बोक्सिलेट आयन, लीव करेगा, उतने में ही ये जो R ग्रुप है ये क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा टू एयर। क्या कहा मैंने कि जैसे ही ये कार्बोक्सिलेट पार्ट क्या करेगा, लीव करेगा, वैसे ही ये R पार्ट क्या हो जाएगा, इसके ऊपर माइग्रेट कर जाएगा। ये पॉजिटिव था तो ये माइग्रेट करेगा, माइग्रेट करने के बाद क्या बनाएगा, RCOH और ये O और ये R। इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अंदर आ जाएगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O O R।
दिस इज द मैकेनिज्म फॉर बेयर्स विल्जर ऑक्सीडेशन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इन दोनों में से इसी ग्रुप को क्यों माइग्रेट करवाया, इसी ग्रुप को क्यों माइग्रेट करवाया। बिकॉज अगर मेरे पास कोई दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, मैं फिर कह रहा हूं जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो ग्रुप क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के पास जाएगा। ठीक, तो अभी इसके मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको, एग्जांपल्स चलते हैं इसके ऊपर। लेट सपोज मेरे पास क्या है, एसीटोन है, मेरे पास क्या है, एसीटोन है। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसी पर एसिड से। अब पर एसिड भी हम कौन सा यूज करेंगे, पर एसिड बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, क्योंकि इट इज कॉमर्शियली अवेलेबल, जिसकी कॉस्ट भी अप्रोक्स $20 पर केजी है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, MCPPA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो ये क्या बनेगा, CH3 C double bond O CH3। दिस इज अ बेसिक एग्जाम्पल, ये मैं कह सकता हूं ये क्या है, बेसिक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट सपोज मेरे पास कुछ ऐसा है, तो अभी क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन इसमें इंसर्ट कर जाएगा लाइक दिस। ये बन गया एक साइक्लिक ईस्टर, और साइक्लिक ईस्टर को हम बोलते हैं लैक्टोन्स। साइक्लिक ईस्टर को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोन्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोन्स, याद करिए इसको। अब इसमें एक और आपको मैं खास बात बता देता हूं कि जो बेयर्स विल्जर ऑक्सीडेशन होता है, उसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहती है, रिटेन्ड रहती है। मतलब अगर वो सिस है तो वो सिस ही रहेगा, अगर वो ट्रांस है तो वो ट्रांस रहेगा। ठीक है, अब इसके एक और एग्जांपल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन है आया हुआ क्वेश्चन, ये स्टेट लेवल कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इस क्वेश्चन की हेल्प से बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अभी मैं आपको करवाता हूं। तो इसकी रिएक्शन कराई हमने, इसमें रिएजेंट्स दिए गए हैं AlCl3 और दिस इज एसिड लाइक दिस, और क्या रिएजेंट है, ये फर्स्ट रिएजेंट है इसमें दिया हुआ, दिस इज सेकेंड है इसमें MCPBA, और जो लास्ट रिएजेंट इसमें यूज किया गया थर्ड वन वो यूज किया गया है NaOH। तो ऐसे करके इन्होंने क्या दिया है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या होगा, AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ AC, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड ओ CL लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड ओ CL। तो इसमें क्या बनेगा, दिस इज टाइप ऑफ अ फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन, ये क्या है, फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो ये क्या बना देगा, फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन होगी तो यहां क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड हो CH3, फ्रिडिल क्राफ्ट था उसको पता होगा, दिस इज अ बेसिक रिएक्शन, और ये लाइक दिस, और ये ऐसा हो जाएगा, और यहां पर क्या है, OH। तो बेसिक रोल मैंने क्या कहा, अभी क्या आ गया आपके पास, एक कीटोन आ गया, और हमारे पास क्या है, MCPBA है। तो कीटोन जब पर एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ईस्टर फॉर्म करेगा। तो अभी इसके बाद इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा, एस्टर फॉर्म कर देगा। अब समझने वाली बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि अब जो ऑक्सीजन है वो कहां इंसर्ट होगी, सी इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, कहां इंसर्ट होगी, उस जगह इंसर्ट होगी जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बीच में ये इंसर्ट कहां करेगी, यहां पर ये इंसर्ट करेगी, ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अब क्या है, इसमें NaOH के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करा रखा है, तो ये बन जाएगा लाइक दिस। जाएगा और एक OH यहां जाएगा, और ये जो
बना है इसको बोलते हैं एल डोपा, इसको नाम होता है एल डोपा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। तो हमने क्या करा, टायरोसिन से, किससे, टायरोसिन से, एल टायरोसिन बोलते हैं, एल ओ डी। तो ये क्या है, एल टायरोसिन से हमने एक ड्रग फॉर्म की जिसका नाम क्या होता है, एल डोपा होता है। अब इसमें हम जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है, ही बेयर्स विल्जर ऑक्सीडेशन और कहां कहां यूज की जा सकती है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अगर हम बेयर्स विल्जर ऑक्सीडेशन को डाइकीटोन्स के साथ करेंगे, 1-2 डाइकीटोन्स के साथ, क्या लगाऊंगा मैं, MCPBA लगाऊंगा, बहुत इजी है, क्या होगा, ऐसा होगा कुछ लाइक दिस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनहाइड्राइड, दिस इज नोन एज अनहाइड्राइड। तो याद रखने की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम डाइकीटोन्स की रिएक्शन पर बेंजोइक एसिड से फॉर्म के साथ करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, अनहाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा ही कुछ, लेट सपोज मेरे पास कुछ ऐसा है CH3 CH2 डबल बॉन्ड हो और CH2 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 CH3। आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है, तो MCPBA लिख देगा, MCPBA, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, एक डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ऑक्सीजन कहाँ इंसर्ट होगी, जिस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन इंसर्ट यहाँ हो जाए, इजी है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो बेयर्स विल्जर ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ कीटोन्स के लिए ही क्यों, एल्डिहाइड्स के लिए क्यों नहीं, रीजन है, तो एल्डिहाइड्स के साथ जब हम कभी इसकी रिएक्शन कराते हैं, लेट सपोज मैं फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, जब हम एल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये देते हैं हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अ फॉर्मिंग एसिड। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम बेयर्स विल्जर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड्स के केस में यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन इंसर्शन है, मतलब जो ऑक्सीजन उसमें इंसर्ट हो रही है, उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का माइग्रेशन है वो जब रिएक्शंस की गई, जब रिएक्शन की गई एल्डिहाइड्स के साथ पर बेंजोइक एसिड की, तो उसमें क्या देखा गया कि जब हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ऐसा है, तो कभी तो जो ऑक्सीजन है वो यहां इंसर्ट हो जा रही है और कभी ऑक्सीजन क्या होती यहां, मतलब जो यील्ड है, मतलब जो यील्ड है वो क्या आती, बहुत लेस आ रही थी। तो इसीलिए एल्डिहाइड्स के लिए जो बेयर्स विल्जर ऑक्सीडेशन है वो फेवरेबल नहीं होता है। अब बेयर्स विल्जर ऑक्सीडेशन से रिलेटेड माइग्रेशन की बात कर लेते हैं। माइग्रेशन तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वही ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। जैसे प्राइमरी है मेरे पास, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, तो टर्सरी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, टर्सरी करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल अगर हम चाहें तो और क्या कर सकते हैं। एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जैसे मैंने अभी आपको कराया था, अगर मैं इसको 6 मेंबर ड्रिंक के लिए यूज करूं, जैसे 6 मेंबर ड्रिंक, अगर मैं इसमें MCPBA भी यूज करता हूं, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन के साथ अगर मैं MCPBA की रिएक्शन कराता हूं तो ये क्या फॉर्म करता है, कैप्रोलेक्टम। ये क्या फॉर्म करता है, कैप्रोलेक्टम फॉर्म करता है, विच इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ नायलॉन, जो किसके यूज सिंथेसिस में यूज होता है, नायलॉन के सिंथेसिस में यूज होता है। तो ऐसे ही बेयर्स विल्जर ऑक्सीडेशन के बहुत सारे यूजेज, जैसे इलेक्ट्रॉन फॉर्म करने में हो गया, ड्रग फॉर्म करने में हो गया, पॉलीमर फॉर्म करने में हो गया। तो इसीलिए बेयर्स विल्जर ऑक्सीडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ऐसे ही अभी हम इसके क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, जितनी भी मैं भी नेम रिएक्शन करा रहा हूं उन सबकी, एक पहले सारी नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स करा देते हैं, फिर इसके बाद, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है IIT-JAM में, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब उसमें सारे रिएजेंट्स क्या होते हैं, दिए हुए रहते हैं। मतलब तीन, अभी मैंने जैसे आपको एक उसका टायरोसिन का एग्जांपल करा था, वो 3-4 रिएजेंट क्या होगा, आपको साथ देगा। तो अगर कोई एक रिएजेंट भी आपको
नहीं आया तो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। तो इसीलिए पहले हम सारी रिएजेंट्स और रिएक्शन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इसकी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो गाइज प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर।